जापान के डेवलपमेंट के पीछे उसके आम लोगों के साथ साथ वहाँ के प्रधानमंत्रियों का भी बहुत अहमियत है। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री शिंजो आबे वैसे ही एक प्रधानमंत्रियों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, आज हम वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आबे का जन्म 21 सितंबर 1954 में जापान के नागाटो शहर में हुआ था। एक पॉलिटिकल परिवार से ताल्लुक रखने वाले शिंजो आबे 2006-07 में एक बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, लेकिन खराब तबीयत के कारण उनको वहां से हट जाना पड़ा। फिर एक बार 2012 में बहुमत के साथ वो चुन के आए और अभी अभी उनकी पार्टी फिर से चुनाव जीत चुकी है। आबे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि जापान में गड़ आयु ज्यादा होने के कारण वहां के मृत्यु संख्या काफी कम होती है। वो जापान के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने यूएसए के एरिजोना में स्थित युद्ध जहाज की सैर की, जो पाल हार्बर घटना के दौरान नष्ट हो गई थी और लगभग 1177 यूएस मरीन्स की मृत्यु हो गई थी इस घटना में। शिंजो आबे के ग्रैंडफादर जापान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और उनके पिता फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो दोस्तों, अगर किसी का पति देश का प्रधानमंत्री हो तो पत्नी कैसे गुम रह सकती है? ठीक सुना आपने दोस्तों, आबे की पत्नी एकाई मीडिया में रहना ज्यादा पसंद करती है। उनके ड्रेस और साउथ कोरियन टीवी के ऊपर प्यार पूरी मीडिया में चर्चा का विषय रहता है। 1993 में आबे पहले जापान के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए और धीरे धीरे अभी वो जापान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। आबे के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जब चाइना ने साउथ चाइना सी में जबरदस्ती कब्जा करनी चाहिए तो उन्होंने यूएस के मदद से सर्वप्रथम सबसे बड़ा जंगी जहाज साउथ चाइना सी में उतारकर अपनी मिलिट्री पावर को दिखाया था। उनके नेतृत्व में ही जापान नॉर्थ कोरिया के विरुद्ध बड़े कदम उठाने में सफल हुआ। शिंजो आबे और उनकी पत्नी का कोई संतान नहीं है। आज इतना ही, फिर एक नए निवेदन के साथ मैं आपके पास आऊंगा। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर बटन दबाना मत भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।